उसके साथ करवाया जा सकता है दिमाग। कि जब मैं बांद्रा में भैंस का तबेला, पता है तुम्हें बांद्रा हाँ में भैंस का तबेला किसको बोलते हैं? बता बताओ बता, भैंस का सुमर का सब तबेला जानता हूँ। बांद्रा में भैंस का तबेला हुआ करता था, डी कंपनी का। डी कंपनी पता? हाँ पर बोलते जाओ खाली तुम। हाँ, बांद्रा में भैंस का तबेला हुआ करता था, डी कंपनी का, ठीक है चाचा। आज भी अगर मैं वहां पे, अभी तो चीजें बहुत चेंज हो गई, ठीक है, आज भी चाचा मैं वहां पे जाऊं ना, जब मैं जाता था, ठीक है, तो समझ लो कि भाई गुलामों के सारे सर मेरे सामने झुक जाते थे। ये मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, आगे आप सारी चीजें सोच लो। मतलब दाऊद सही है इब्राहिम से क्या? आपका मतलब साथ में उठना बैठना था क्या पनौड़ी भाई? मतलब दाऊद इब्राहिम का साथ में उठना बैठना था क्या? मतलब अगर आप बताने में कंफर्ट फील कर सकें तो डी कंपनी शायद। मतलब अब यार इतनी डिटेल्स डी तो मैं कंपनी सोशल का मीडिया पे दाऊद नहीं के बोल सकता हूँ। वहां ढेर सारे राइट केले राइट चलते। अब उनका मुंबई से सारा साम्राज्य खत्म है। अरे चाचा, कहने को सब खत्म है। आज भी बहन चो दुबई से फोन जाता है ना, गांठ फट जाती है लोगों की। मानते हैं सब बातें, लेकिन वहां वर्कर्स तो नहीं रह गया इनके नाम का, कोई समय पे था। अरे हाँ, वो तो देखो चाचा, हर एक का टाइम होता है, सबका टाइम आता है, सबका टाइम जाता है, ठीक है। हाँ तो सरकारी दूसरे ठीक है, सब वर्कर्स तो था बदमाशों का, कानपुर में हमारे रहे। चाचा, आज भी हाजी अली रोड पे, अब मैं आपको क्या बताऊं यार, मैं अभी जोश में आऊंगा ना तो सारी बातें खोल दूंगा, तो यार बेंचो मेरे सारे पोल खुल जाएंगे यार चाचा। नहीं, पनौड़ी भाई चाचा की तो गांड फटती है आपकी, मतलब चाचा से आपकी गांड फटती है, मतलब आपसे चाचा की गांड फटती है। बहनचोद क्या बोल रहा हूँ, क्या चाचा चाचा मेरी झूठ बात बोल रहा हो सुनो, क्या चाचा चाचा? घूम गए। वहां चुट गई चाचा ने कहा। पनौड़ी भाई कपिल पुरी भाई साहब ने मानहानि का दावा ठोक दिया है और उसका लीगल नोटिस भेज दिया गया है अनमोल को। हाँ अनमोल को मिल गया नोटिस, हाँ नोटिस चला गया। मतलब कौन सी मानहानि हुई उनकी? मानहानि मतलब वही ऑब्जेक्शन है, और अभी ये जो मामला है ये कोर्ट में चलेगा पनौड़ी भाई। अरे मतलब कौन सी मानहानि हुई उनकी? मानहानि वही मतलब ये कि मोलेस्ट कर रहे हैं हमको ऐसा। हाँ अच्छा, हाँ हाँ उसमें वो क्या है कि क्लेम भी कर सकते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए। ऐसा होता है इंडिया में? मानहानि हाँ एक सीरियस केस होता है, पर मतलब आप एक बात बता रहा हूं आपको, बहुत छोटी बात है ये कि मानहानि के केस लास्ट में कंप्रोमाइज ही होते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो कैसे होंगे, हाँ मेरे मतलब ख्याल से बात तो जिसके कैसे ऊपर, भाई हाँ ने? वो मतलब मलाइका को ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इस मामले में, सीरियस इशू होता ही है। हाँ बाकी मलाइका तो कब से कॉम्प्रो करने के लिए बैठी तो है, वो बोलती तो है कि मेरे घर आ जाओ कॉम्प्रो कर लेते हैं। भाई कॉम्प्रो ही करना था तो फिर ये केस बेस करने की कहाँ जरूरत थी? नहीं कपिल पूरी नहीं कर रहा है, मलाइका को करना पड़ेगा, ऐसा सीन ऐसा है। हालांकि वो उन लोगों का मैटर है, वो लोग समझेंगे क्या कैसा है। मैं एक मतलब बता रहा हूं क्योंकि नीचे कमेंट चल रहे थे तो इसलिए मैंने बोल दिया आपको। अच्छा, चलो हाई कोर्ट के कमेंट चल रहे हैं। क्या क्या सोचो, क्या जमा
आ गया है लाइव की बकचोदियों में, अब लोग एक दूसरे पे केस कर रहे हैं। पनोड़ी भाई, चाचा को भी आप भांके में मत लीजिएगा। चाचा भी आपके ऊपर अगर केस कर दिए तो ताजुब। चाचा आप तो केस नहीं करोगे ना, पनोड़ी भाई कुछ बोल देंगे आपको तो। केस दुनिया के ऊपर चला करते, जाने कितने केस चला करते हैं लोगों के ऊपर, तो ये केस आजकल कुछ नहीं होते, केवल मर्डर ना। अच्छा आप, अच्छा पनोड़ी भाई, चाचा क्या है, क्रिमिनल आदमी है, इनको बहुत एक्सपर्ट है, मतलब ये, मतलब जो भी लीगल धाराएं वारा है। चाचा अगर कोई पनोड़ी भाई पे मानहानि का धारा कोई केस ठोकता है तो क्या होगा पनोड़ी भाई के साथ, आप बताइए थोड़ा सा। मानहानि का धारा ठोकता है कोर्ट में, तुम्हारी सरेंडर करके अपनी बेल करा लो, मजा लो बाहर, जब फैसला आएगा तो जब डिसाइड जो मजिस्ट्रेट करे वो कर देना है बस। मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है चाचा? कुछ नहीं कुछ नहीं, यानी में वो अपना डिमांड रखेंगे कि मेरा, मेरी वैल्यू इतनी थी, मेरी भाई सही में अगर मलाइका जेल गई ना, भगवान कसम बोलता हूँ, मलाइका की आईडी का नाम मैं करवा दूंगा, नाम चेंज करवा दूंगा, और उसका आईडी का नाम मैं रख दूंगा मलाइका आपा बहनचोद, हाँ आपा भाई, बड़े पहले बड़े पिग लोग उसके घर पे जाएंगे। पनोड़ी भाई आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, मानहानि के केस में जेल नहीं होती है, कंपनसेट करना पड़ता है। नहीं नहीं जो चाचा सही बोल रहा हूँ, हाँ कोर्ट से हो जाएगा, कुछ नहीं, जेल नहीं जाना, जेल नहीं होती है। अरे नहीं नहीं, हम तो मलाइका को जेल ही देंगे भाई, जो दो हीरोइने फंसी हैं, ये दिल्ली दिल्ली वाला मैटर सुने होगे। पनोड़ी भाई इंडिया में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिसके ऊपर मानहानि का केस नहीं चल रहा हो, इंडिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है। क्यों चाचा सही बोल रहा है? हाँ वो दिल्ली की दो हीरोइने हैं मुंबई की, वो फंसी हुई हैं, तो एक दूसरे के ऊपर यही मुकदमा लगाएंगे। दो सौ करोड़ की ठगी के मामले। कुछ नहीं होगा, कोर्ट से सब काम खत्म। चाचा आप भी लाइव वाइव में बकचोदी कम किया करा करो, किसी दिन केस वेस ठुक गए आपके तो गांड वाड़ फट जाएगी चाचा। अरे अनजान नहीं डरता हूँ इस केस से। अरे जो होगा वो चाचा देख लेंगे यार। चाचा कह रहे जाट नहीं डरता मैं। अरे चाचा क्या बात कर रहे हो, हमको तो पकड़ने के लिए एफबीआई आ चुकी है, सोचो एफबीआई समझते हो, एफबीआई हाँ सब समझते हैं, हम उस जमाने के रंगबाज हैं, जहाँ मूदते थे वहां पुलिस गिरती थी, मूद के मट गए तो वहां पुलिस सही हो जाती। हमको पकड़ने के, हमको पकड़ने के लिए चाचा अमेरिका की एफबीआई हमारे पीछे पड़ी थी, सोचो कभी हम आगे कभी एफबीआई पीछे, कभी हम पीछे कभी एफबीआई आगे, चाचा 2 साल तक ये खेल चला, आखिर में मैं पकड़ा गया। पुलिस के बहुत लंबे हाथ होते हैं, पुलिस कभी मरती नहीं। अरे मैं पकड़ा नहीं गया था, मैंने सरेंडर किया था, मैंने इंफॉर्मेशन दी थी फोन करके कि आज मैं वहां यहाँ पे हूँ, मैं समझते हो। अब आदमी तो बता ही देता है, क्योंकि उसमें रंगबाजी में कमी आ जाएगी अगर बताएगा कि पकड़ा गया था। तो बात ये है चाचा। रिया तुम ये नीचे कमेंट क्या कर रही हो पनोड़ी भाई के लिए? अरे पनौड़ी जी के लिए थोड़ी, उनके सपोर्ट में ही बोल रही हूँ मैं, उनके खिलाफ मैं थोड़ी बोल रही हूँ। हाँ खिलाफ मत जाना, खिलाफ मत जाना बाबा जी, मैं खिलाफ कभी बोलती नहीं बाबा जी, यहाँ पे सब मेरे दोस्त हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, वो चीज मेरी। मैंने ऐसा सुना है कि मामा तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड था, ये सच है?